वाइल्ड लायन, दो शेर थे उसको खाकर बाकी उसकी थोड़ी सी बाकियात बची थी वो छोड़ दी। सुबह जब इंतज़ाम में आए तो देखा इंसान का वो सिर्फ बाकियात बची हुई है। जश्न मना रहे हैं, ये काटता भी बड़ा खतर। आओ आओ ये देखें दोस्तों, अभी टिकट लेने जा रहे हैं। टिकट लेकर फिर हम जू के अंदर इंटर होते हैं। ये मीर खान अभी टिकट लेने गया हुआ है। मामू अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े होंगे। आज हम आपके लिए ख़ास व्लॉग लेकर आए हैं। आज हम गए हैं बहावलपुर जू में, आपको भी विज़िट कराते हैं, हम भी विज़िट करते हैं। अभी हम इंटर हो चुके हैं, इधर आए हैं। ये बहावलपुर जू का पूरा मैप है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अभी हम ये मैप देखते हैं, फिर आपको भी चीज़ें दिखाते हैं, शेर दिखाते हैं, ज़राफा दिखाते हैं, हाथी दिखाते हैं। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप भी इंजॉय करेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे। तो फिर चलते हैं आगे, पहले मैं जू मैप देख लूँ। जैसे हम जू में इंटर हुए हैं तो पहला हमारा इस्तकबाल ये देखिए इन्होंने किया है। ये आपको चेक करते हैं, ये लोग काफ़ी गुस्से वाले हैं यार। आज गर्मी बहुत है तो ये ऐसे छाँव में बैठे हुए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं। अभी दोस्तों क्योंकि सुबह का टाइम है तो अभी इनको मेरे ख्याल में नाश्ता वगैरह भी नहीं मिला और गर्मी भी है, छाँव के नीचे आए बैठे हैं। ये देखें अभी माशाल्लाह क्या सीन है, जश्न मना रहे हैं। ये काटता भी बड़ा ख़तरनाक है, मैं जाली के ऊपर तो आया हुआ हूँ, डर भी काफ़ी लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं और ये इस गदले पानी में रहते हैं। इस गदले पानी में रह कर ये अपना रंग कलर चेंज करते हैं, ये साफ़ पानी में नहीं रहते। गदला पानी होता है तो उसमें रहते हैं। ये देखें, चलो ये आप लोगों ने देख लिया, आप चलते हैं आगे किसी और जानवर की तरफ। हम आ गए हैं उस एरिया में जहाँ पे हिरन वगैरह हैं। ये मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, ये चेक करें, ये साइन बोर्ड पूरा लगा हुआ है, रीच घर, कैंटीन, शेर घर वो साइड पे, पीने का पानी चिड़ियाघर उस साइड, बंदर घर भी उस साइड पर, अजायब घर भी उस साइड पर, पंजाब उड़ियाल इस साइड पर, जेबरा इस साइड पर, वाशरूम सियाह हरन भी इस साइड पर हैं, पाड़ा हिरन नील गाय भी इस साइड पर है। तो अभी हम ये आगे हैं, ये चेक करें, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। भाई गर्मी काफ़ी है तो ये छाँव में है और ये देखें ये भी बैठे हैं, नील गाय तकरीबन। हाँ दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा बारह सिंगा, ये भी छाँव में बैठे हुए हैं सारे के सारे जानवर परिंदे। पंजाब में पता नहीं इतना गर्मी आ गई है। ये बारह सिंगा आपने देख लिया। अभी दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं जंगली भेड़, ये पहाड़ों में पाए जाते हैं और घास पर इनकी खुराक है। ये देखें, मुझे तो इनकी हालत भी खस्ता लग रही है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, पता नहीं इनको खिलाते भी हैं कुछ नहीं। ये देखें ये बैठे हैं, बच्चे भी हैं। हम आ चुके हैं गधे के रिश्तेदारों की तरफ, ये हैं मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे गधे के रिश्तेदार। बस इन गधों को थोड़ा सा रंग करके ज़ेबरा बना दिया गया है, ये चेक करें, ये ज़ेबरा ये भी घास खा रहा है। तो गधे का रिश्तेदार जिसको रंग करके इधर खड़ा कर दिया गया है, ज़ेबरा, अभी थोड़ी देर पहले आपस में लड़ रहे थे, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, आपस में लड़ रहे हैं पता नहीं क्यों, पुरानी दिखनी है। चलो दोस्तों ज़ेबरा तो देख लिया। अभी हम आ चुके हैं अफगान उड़ियाल की तरफ, ये अफगानिस्तान के इलाके में रहते हैं और ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा चेक करें, माशाल्लाह कितना क्यूट है, इधर ही आ रहा है। बेचारों की हालत बड़ी ख़राब है यार, कहीं कुछ खिलाते पिलाते भी हैं कि नहीं। तो अभी हम जो चीज़ आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही ख़ास चीज़ है, वो आप मेरे पीछे नज़र भी आ रहे हैं।
इनका नाम क्या है थी? चीतल हरन पाकिस्तान चीतल। ये चेक करें, ये है चीतल हरन, ये पाकिस्तान इंडिया में पाया जाता है। कितने प्यारे हैं यार, वो देखें बहुत बड़े हैं। ये देखिए, अभी मैं दीवार के ऊपर आ गया हूँ, आपको मैंने कहा इस तरह अच्छे से नज़र आएगा तो दिखा दूँ। ये देखें, ये है चीतल हरन, पाकिस्तान और इंडिया के इलाके में पाया जाता है, इतना प्यारा है। हाँ तो दोस्तों, इधर से ये बिल्कुल करीब आ गई तो मैंने कहा आपको फिर से दिखा देता हूँ। माशाल्लाह इधर से व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। छाँव में हम खड़े हैं ना, उधर धूप में खड़े थे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये देखें कितनी प्यारी है, ये अभी पानी पी रहा है। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, ये बहावलपुर चिड़ियाघर वालों ने जानवरों का बहुत बुरा हाल किया हुआ है, कुछ खिला पिला नहीं रहे। कौवे देखें, जहाँ देखो वहाँ पे कौवे होते हैं। एक ये खड़ी है, थोड़ा सा घूम करते हैं, सबसे बड़ी वो वाली है, एक वो अंदर बैठी है, एक वो छोटी जो है वो खड़ी है। हेलो, कैसी हो? इधर आओ। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, दो बार मेरा मोबाइल मतलब बंद हो गया था, जो उसने कहा टेम्परेचर काफ़ी हाई है इसलिए ये मोबाइल वर्क नहीं कर सकता, आईफोन है ना, तो ये इस तरह करता है। सिर्फ आप लोगों की खातिर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों का भी हक बनता है कि मुझे सपोर्ट करें। अभी हम सिर्फ हरनू वाली साइड पर आए हुए हैं, जहाँ भी देखो वहाँ पर हिरन ही हिरन है। अभी ये चेक कराता हूँ आपको, ये देखें ये भी छाँव में बैठे हुए हैं बेचारे। ये देखें, ये जो आम से हिरन होते हैं ना, ये वो वाले हैं पाकिस्तान के, और ये जो बैठे हुए हैं ना, ये चीतल हिरन है। इधर से नज़र नहीं आएगा, इधर से दिखाते हैं। ये भी बेचारे छाँव में बैठे हुए हैं, ये देखें। ये भी पाकिस्तान और इंडिया में पाई चीतल हिरनों की, ये तो मुझे 12 सिंह लग रहे हैं यार, काफ़ी प्यारे हैं। अभी हम चल रहे हैं शुतुरमुर्ग देखने, वो उस साइड पे हैं, उधर से चलते हैं, वहाँ पे आपको शुतुरमुर्ग वगैरह भी दिखाते हैं। आज गर्मी है, वो देखिए मेरे दोस्त बेचारे बैठे हुए हैं थक कर। हाँ तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं शुतुरमुर्ग के एरिया में। ये देखें मेरे पीछे वो घास वगैरह खा रहे हैं, तो अभी आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये घास वगैरह भी खा रहे हैं। ये देखें पीछे इतनी गर्मी है, वो बेचारे तड़प रहे हैं गर्मी से, वो देखें ज़ुबान निकाली हुई है उसने। क्या होगा इतना गर्मी, मेरा मोबाइल 4-5 दफ़ा ना इसने टेम्परेचर हाई हो गया था, जिसकी वजह से बंद हो गया था चलते चलते। तो ये देखें, ये तो जानवर हैं बेचारे, इनको कितनी गर्मी लग रही होगी। ये देखें, काफ़ी बुरी हालत में यार, गर्मी लगती है। इस साइड पे जो भी जानवर और परिंदे थे वो मैंने आपको दिखा दिए। पहले पहले वो था नीलगाय थी, हर तरफ हिरन हिरन थे, ज़ेब्रे थे और शुतुरमुर्ग थे। ये साइड होगी क्लियर। अब चलते हैं, शेर है जहाँ पे रीछ वगैरह है, जहाँ पे वो परिंदे हैं वो दिखाते हैं आपको, चीते वगैरह दिखाते हैं। ये देखें अभी लास्ट सीन, वो देखें वो घास खा रहे हैं, और ये बेचारे गर्मी में बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर अभी चल रहे हैं हम उधर शेर वाली साइड पे। गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा है, ये तो हमारी हालत है, हमारे मोबाइलों की हालत है, पता नहीं ये जानवर बेजुबान जानवर तेंदू क्या हालत होगी। हाँ तो दोस्तों, अभी हम अजैब घर में आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी वो जानवर परिंदे मतलब मर जाते हैं, उनको लूट करके खड़ा कर दिया जाता है, गुजरते हैं शेर को। ये हिरन है, एक शेर ये खड़ा है, इसके बच्चे हैं बेचारे मर गए। ये बिग फिश है, रोहू मछली, ये देखें दूसरे चूहा, लोमड़ी, चीता।
ये एरिया परिंदों का है, ये तोते हैं, ये बाघ है, और ये दूसरा बड़े वाला तोता। ये चेक करें, सब हनूत शुदा हैं, मतलब जो मर जाते हैं फिर उनको मिसाले वगैरह लगा इधर रख देते हैं। और ये बाघ है, ये उल्लू, ये मोतियाँ, मोर, ये भी मोर, माशाल्लाह। ये देखें, ये बोलू हैं, इनको दाना खाना दे गए तो अभी खा रहे हैं। हेलो, अभी खाना डाला है इनको, अभी खा रहे हैं, बच्चे को चेक करेंगे, है ना प्यारा। ये चेक करें, बर्फ की भेड़े की हालत चेक करें, गर्मी से बेचारा तड़प रहा है। ये देखें, ये बैठा है, गर्मी की वजह से इसकी हालत भी ख़राब है, हमारी तरह नींद के मज़े लूट रहा है। हाँ जी दोस्तों, ये देखें, ये इस तरह से मुँह किया हुआ था, दूसरी साइड से आकर इसकी वीडियो बनाई है। काफ़ी गर्मी लग रही है बेचारे को, हाँप रहा है। जैसे हमारी हालत बुरी है ना, इस तरह शेरों की हालत भी बुरी है। एक ये बैठा है, दो अंदर बैठे हैं, और एक वो बैठा है।